हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज हरियाणा जीके की मैराथन क्लास है और इस क्लास में आपके 7 to 8 टॉपिक कवर होंगे, यानी कि एक ही क्लास में आपको 7 to 8 टॉपिक मिलेंगे। और ये जो क्लास है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यानी कि HSC के अंडर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आप सबके लिए। और हमारे इस प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके सफल बनाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। वेदों में हरियाणा को क्या नाम दिया गया? क्योंकि बच्चों, हरियाणा जो है एक नया स्टेट नहीं है, हरियाणा का अस्तित्व बहुत पुराना है। हरियाणा का अस्तित्व वेदों के काल से है। ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र हुआ है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? रज हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति बच्चों जो लो की पहली बुक है, भारत की पहली लो बुक, जिसे क्या बोला जाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी हरियाणा का वर्णन है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मावर्त भी बोला गया है या फिर ब्रह्मवेदी भी बोला गया है हरियाणा को। क्यों बोला गया है? हरियाणा की सांस्कृतिक महानता के कारण हरियाणा को मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मवेदी बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत काल में हरियाणा को क्या बोला गया है? बहुधान्यक प्रदेश बोला गया है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के, हरियाणा के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो हरियाणा के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिनों तक, और जिसके प्रमाण आज भी कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। तो हरियाणा को महाभारत काल में बहुधान्यक प्रदेश बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि महाभारत काल में पुरु वंश के राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र से हल चलाकर यहाँ से खेती की शुरुआत की थी, इसलिए इस प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश बोला गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कुरुक्षेत्र के दक्षिण की अगर हम बात करते हैं, जो दिल्ली साइड का एरिया है, उसे महाभारत काल में क्या बोला जाता है? कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, तो उसे बोला गया है खांडवप्रस्थ। उसके बाद जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जिसमें रोहतक और हिसार का एरिया पड़ता है, जो कुरुक्षेत्र साथ में लगता है, उसे क्या बोला जाता था? कुरु जंगल बोला जाता था उसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बच्चों किसके द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन भी HSC में कई बार आता है। हर्षचरित्र पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित ये पुस्तक है। इसमें जो है थानेसर का जो एरिया पड़ता था उसे क्या बोला गया? उसे श्रीकंठ जनपद बोला जाता था हर्ष के टाइम में, या फिर 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता था? श्रीकंठ जनपद बोला जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम दिया गया है। उसके बाद आती है महापुराण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। महापुराण एक बुक है, किसके द्वारा रचित है? ये जैन कवि पुष्पदंत, क्योंकि कई बार इसके राइटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। महापुराण किसके द्वारा रचित है? जैन कवि पुष्पदंत द्वारा रचित ये पुस्तक है। और इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? हरियाणा इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासो। इसमें हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? इसमें हरियाणा को नाम दिया गया है हरियाला। और एक बात आपने यहाँ से और याद रखनी है, हरियाणा का पहला हिंदी महाकाव्य, हरियाणा का पहला हिंदी महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को हरियाल नाम दिया गया है। हरियाल नाम इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि हरियाणा जो है एक हरा भरा क्षेत्र था, इसकी हरियाली के कारण इसको क्या नाम दिया गया? इसे हरियाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में हरियाणा का सही नाम उच्चारित होने लगा था। हरियाणा को क्या बोला जाने लगा? हरियाणा बोला जाने लगा। बच्चों करते हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास के साधन, यानी कि हरियाणा को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चले हरियाणा का अस्तित्व आज से नहीं, हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से है। तो हरियाणा को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। सबसे पहले आती है साहित्यिक सामग्री, सेकेंड हमारे पास आती है पुरातात्विक सामग्री, एंड थर्ड आती है आधुनिक सामग्री। तो सबसे पहले हम करते हैं
साहित्यिक सामग्री के बारे में। साहित्यिक सामग्री में भी हमारे पांच पांच तरह की सामग्री प्राप्त है। इसमें है वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। फोर्थ पे आता है महाभारत काल और महाभारत काल के बाद का साहित्य। और फिफ्थ में हमारे पास आता है विदेशी यात्री के वृतांत। तो सबसे पहले हम करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया है। वेदों में हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती नदी के किनारे। और जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा से होकर बहती है। इसके बाद है जैसे वेद, वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे। ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी ग्रंथों की रचना हरियाणा में हुई, इसलिए हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सरस्वती और दृशदेवती नदियों का उल्लेख है। सरस्वती नदी और दृशदेवती नदी दोनों हरियाणा की बहुत ही पवित्र नदियां हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट है, जैमिनी ब्राह्मण से हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। जैमिनी ब्राह्मण यानी कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य जैमिनी थे। और ये किसके शिष्य थे? महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें भद्रबाहु चरित्र कथा कोश से हरियाणा के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से भी हमें हरियाणा के प्राचीन काल के होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य से पता चलता है कि अग्रोहा जो हिसार में पड़ता है, महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया जो शहर अग्रोहा है, उसे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था। बौद्ध साहित्य से बच्चों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसी द्वारा। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले जो बुक आती है पंपजसूदनी। पंपजसूदनी बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों की यात्राएं की। नेक्स्ट है मंजमिनीकाय। मंजमिनीकाय से हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है दिव्य वदान। दिव्य वदान से बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिव्य वदान में हरियाणा के किन दो शहरों का उल्लेख किया गया है? तो दिव्य वदान जो बुक है बौद्ध साहित्य की बहुत ही पवित्र बुक है, जिसमें हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट है महाभारत व बाद का साहित्य। महाभारत काल और बाद के साहित्य से भी हमें हरियाणा के प्राचीन अस्तित्व की जानकारी मिलती है। अगर बच्चों महाभारत की हम बात करें, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत से अक्सर HSC द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो सन्निहित सरोवर है, जिसे ब्रह्म सरोवर भी बोला जाता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो जो दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भगवान शिव से आज्ञा लेकर महाभारत की रचना की गई थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया है, पुराण लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र की रचना की है। अगर बच्चों महाभारत के बारे में क्वेश्चन आता है आपके पास, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेदव्यास जी द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे की गई थी? सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। और महाभारत को लिपिबद्ध किसने किया था? लिपिबद्ध किया गया था गणेश जी द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपने याद रखने हैं, जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। किस नदी को हरियाणा में शापित नदी कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को ही हरियाणा की शापित नदी कहा जाता है, हरियाणा की लुप्त नदी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब महर्षि वेदव्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की जा रही थी, तो नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान भटक रहा था। तो महर्षि वेदव्यास जी ने 3 बार नदी को बोला शांत रहने के लिए, लेकिन इसके बाद भी सरस्वती नदी जब शांत नहीं हुई, तो महर्षि वेदव्यास जी द्वारा सरस्वती नदी को शाप दिया गया था सूख जाने का या फिर विलुप्त हो जाने का, जिसकी वजह से सरस्वती नदी सूख गई थी। तो आज हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की खुदाई दोबारा से स्टार्ट की है। कहाँ से? यमुनानगर के मुगलावाली गाँव से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी की। महाभारत के जो बाद का साहित्य है,
पाणिनि के अष्टाध्याय की, पाणिनि के अष्टाध्याय में भी हरियाणा के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। बाणभट्ट जो महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे बोला जाता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र से भी हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो राजा हर्ष थे कहाँ के राजा थे, थानेसर के राजा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशियों के वृतांत। विदेशियों के वृतांत में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं, एक फाहियान है, दूसरे हैं हेनसेंग। फाहियान और हेनसेंग दोनों ही चीनी यात्री थे। ये भारत में किस लिए आए थे, बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। जो फाहियान है वो किसके समय में भारत आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसके समय में भारत आए थे। और जो हेनसेंग है वो किसके टाइम में भारत आए थे, हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे और भारत में 15 वर्षों तक रहे। हरियाणा की पुरातात्विक सामग्री मीन्स हरियाणा में किस स्थान से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पता चले। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अनिगम की। सर एक अनिगम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पिता किसे बोला जाता है। एक अनिगम को बोला जाता है, यानी कि अलेक्जेंडर कनिगम को बोला जाता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1862 में हरियाणा क्षेत्र का दौरा किया था सर एक अनिगम में, परंतु हरियाणा में खुदाई की जो पहली कुदाल पड़ी थी वो 1921 और 22 में पड़ी थी। किसके नेतृत्व में, सर डीबी स्नूपर के नेतृत्व में 1921 और 22 में पहली कुदाल पड़ी। कहाँ पर, हरियाणा के थानेसर में करण के टीले पर पुरातात्विक विभाग ने पहली खुदाई स्टार्ट की थी। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण मिले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कहाँ से मिले हैं, कुणाल फतेहाबाद से मिले हैं। बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं, खुदाई से पता चला है कि ये सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। और हड़प्पा सभ्यता कितने साल पुरानी मानी जाती है, लगभग 3500 साल पुरानी मानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो स्क्वेयर में बने हुए थे, परंतु जो कुणाल से मिले हैं वो घर कैसे बने हुए हैं, वो गोलाकार बने हुए हैं। और यहाँ से कुछ आभूषण भी मिले हैं जो सोने और चांदी के हैं। हरियाणा में इससे पहले इस तरह के आभूषण नहीं मिले, इसलिए कहा जाता है कि शायद हो सकता है ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा का मुकुट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, ये भी कहाँ से मिला है, कुणाल फतेहाबाद से मिला है। नेक्स्ट है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बनावली फतेहाबाद से मिला है। नेक्स्ट है बारह खड़ी में लिखित प्राचीन अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारह खड़ी में लिखित प्राचीन अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं, सुध से मिले हैं, जो कहाँ पे पड़ता है, जगाधरी के पास पड़ता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख हरियाणा के पूरे भारत में किसके मिले हैं, अशोक महान के मिले हैं, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक। और कहाँ से मिले हैं, टोपरा यमुनानगर से मिले हैं। बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन और याद रखना है आपने, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, अशोक का टोपरा अभिलेख दिल्ली में किसने स्थानांतरित कराया था, तो दिल्ली में किसने ट्रांसफ़र कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुणिदकालीन सिक्के। कुणिदकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, जगाधरी और यमुनानगर से मिले हैं। और जगाधरी और यमुनानगर के बारे में आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है बच्चों, क्योंकि जगाधरी और यमुनानगर को क्या बोला जाता है, हरियाणा के जुड़वा शहर बोला जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी की मोहरे। मिट्टी की मोहरे हमें कहाँ से मिली है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। नेक्स्ट आता है सिक्के ढालने के सांचे, ये क्वेश्चन HSC में 3 बार आ चुका है। सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं हमें, खोकराकोट रोहतक से मिले हैं। रोहतक से ही और कई ऐसी सामग्री मिली है, जैसे इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, खोकराकोट जो रोहतक में पड़ता है। योद्धेकालीन सांचे, योद्धेकालीन सांचे भी हमें कहाँ से मिले हैं, खोकराकोट से मिले हैं। और बलराम की मूर्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है, अस्थल बोहर जो कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हड़प्पा के अवशेष। हड़प्पा के अवशेष हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, भिवानी से मिले हैं। एंड नेक्स्ट है
कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? मीताथल भिवानी से मिले हैं। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के भी मीताथल भिवानी से मिले हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं योद्धे गणराज्य की मोहरे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। योद्धे गणराज्य की मोहरे हमें कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद, जो भिवानी में पड़ता है। नेक्स्ट है संगीत के सात स्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत के सात स्वर हमें कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा हिसार से मिले हैं। नेक्स्ट है टकसाले, टकसाले यानी कि जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, तो वो टकसाले हमें कहाँ से मिली हैं? अग्रोहा और बरवाला से मिली है। नेक्स्ट है भगवान सूर्य देव की मूर्ति, भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से। जैन मूर्तियाँ हमें मिली हैं हांसी से। अब बच्चों यहाँ से जैसे जैन मूर्तियाँ मिली हैं हांसी से, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हांसी जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट है यक्ष यक्षिणी मूर्तियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HSC कई बार रिपीट कर चुका है इस क्वेश्चन को। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? हथीन पलवल से मिली है। एंड हर्षकालीन ताम्र मुद्राएँ कहाँ से? सोनीपत। एंड नेक्स्ट आता है सरसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है फिजिलपुर सोनीपत से। तो बच्चों ये थी आज हरियाणा जीके की थर्ड क्लास। बच्चों मेरी क्लास में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे, जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। बच्चों जैसे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में फैला है और किन देशांतर रेखाओं के बीच में फैला है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, इस पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं। जैसे हम अगर ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब पर जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएँ, और जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएँ। तो अगर हरियाणा के अक्षांशों की बात करते हैं, हरियाणा किन अक्षांशों में फैला है? 27°39' से लेकर 30°55' तक उत्तरी अक्षांशों के बीच में हरियाणा की स्थिति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो 74°28' से लेकर 77°36' पूर्वी देशांतर में हरियाणा फैला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हरियाणा की जलवायु की। हरियाणा की जलवायु के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। आपके पास दो तरह से आंसर आ सकता है, या तो आपके पास आएगा आर्द्र उपोषण या फिर आएगा भूमध्य रेखीय। दोनों का मीनिंग सेम है, आर्द्र उपोषण या फिर भूमध्य रेखीय, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़े। जैसे हरियाणा समुद्र से दूर है, इसलिए हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। हरियाणा का एरिया कितना है? सभी जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है, और ये भारत के एरिया का कितना है? 1.34%। ये आपने अच्छे से याद रखना है, कितना है भारत के एरिया का? 1.34%। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं कि हरियाणा का पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है हरियाणा का, अगर हम एरिया की बात करते हैं। मैंने हरियाणा का मैप बनाने का एक ट्राई किया है, क्योंकि बच्चों जो ज्योग्राफी की जाती है वो मैप से ही की जाती, विदाउट मैप ज्योग्राफी क्लियर नहीं हो पाती। तो हरियाणा के मैप से हम देखते हैं हरियाणा के साथ कितने स्टेट लगते हैं हरियाणा की बाउंड्री के साथ, और कितने यूटी लगते हैं। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, बिल्कुल ये नॉर्थ दिशा पड़ती है और नीचे साउथ पड़ती है, इधर ईस्ट पड़ती है और ये वेस्ट पड़ती है। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तर की बात करते हैं, जैसे बिल्कुल हरियाणा के टॉप में यानी कि नॉर्थ में कौन सा ज़िला पड़ता है हरियाणा का? पंचकुला पड़ता है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा को कौन सा स्टेट टच करता है, किस स्टेट के साथ हरियाणा की उत्तरी सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हरियाणा को उत्तर पूर्व से टच करता है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा को उत्तर से कौन सा स्टेट टच करता है, तो हिमाचल प्रदेश है। और अगर उत्तर पूर्व की बात करते हैं हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है, यूके यानी कि उत्तराखंड। बच्चों उत्तराखंड के साथ हरियाणा की बहुत छोटी सीमा लगती है, कितनी? सिर्फ
11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर सीमा लगती है हरियाणा की किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिल्कुल पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, उसकी सीमा एक दूसरे को कितने किलोमीटर तक टच करती है, 11 किलोमीटर तक टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व की, पूर्व में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है, यूपी, और यूपी के साथ साथ पूर्व में ये यमुना नदी बहती है हरियाणा के साथ साथ। अगर क्वेश्चन आता है यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा में बहती है, तो पूर्वी सीमा में। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा कौन बनाता है, तो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा यमुना नदी बनाती है। ये यमुना नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा को टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये उत्तर पड़ता है और ये इधर जो डायरेक्शन पड़ती है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में हरियाणा को पंजाब टच करता है और राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की जॉइंट राजधानी चंडीगढ़, वो किस डायरेक्शन से हरियाणा को टच करते हैं, उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है, राजस्थान। दक्षिण पश्चिम से हरियाणा को राजस्थान टच करता है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस स्टेट की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है, तो राजस्थान की लगती है, और अगर पूछा जाए कितनी लगती है, तो 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी लगती है उत्तराखंड के साथ और सबसे बड़ी सीमा लगती है राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। ये जो दो तीन क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलेंगे ये। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आए हरियाणा की पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, तो 350.61 किलोमीटर हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है, 363.31 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो है। सभी जानते हैं करो जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकुला में है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1514 मीटर है। ये सभी जानते हैं, लेकिन सेकेंड जो क्वेश्चन आता है हरियाणा की सेकेंड हाइएस्ट पीक कौन सी है, सेकेंड हाइएस्ट पीक का नाम क्या है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, महेंद्रगढ़ में पड़ती है, और इसकी हाइट कितनी है, 740 मीटर है। यहाँ से बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो महाभारत से रिलेटेड है, ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है धूसरा गाँव, ये पड़ता है ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था, कहाँ पर, धूसरा गाँव में, और पड़ता है महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जैसे स्टेट तो 5 हरियाणा के साथ टच करते हैं जो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है, उसके बाद 2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हरियाणा के साथ टच करते हैं। दोनों ही राजधानी है, एक हरियाणा और पंजाब की है, दूसरी भारत की राजधानी है, एक तो चंडीगढ़ है, और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है चंडीगढ़ से हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो चंडीगढ़ से हरियाणा का सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच होता है, कौन सा है, पंचकुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी, दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, या फिर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को हरियाणा कितने साइड से कवर करता है या कितने साइड से टच करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दिल्ली है, अब यहाँ पर जो मैप पे नॉर्थ यानी कि नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत है, इधर पड़ता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम से दिल्ली को झज्जर टच करता है, और नीचे चला जाता है साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी कि दिल्ली को हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, उत्तर में सोनीपत है, पश्चिम में झज्जर है, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हरियाणा के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हरियाणा के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु को टच करता है। नेक्स्ट है हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है, तो उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का पूर्वी जिला,
हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है? यमुनानगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। हरियाणा के बिल्कुल पूर्वी विधानसभा सीट कौन सी है? जगाधरी है। ये पूर्वी विधानसभा सीट है कौन सी? जगाधरी। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पूर्वी पॉइंट कौन सा है तो ताजेवाल। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी जिला। हरियाणा का पश्चिमी जिला सिरसा पड़ता है, क्योंकि सिरसा जो है हरियाणा के बिल्कुल पश्चिम में है और सिरसा का एरिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है पश्चिमी जो है विधानसभा सीट कौन सी है? डबवाली है। हरियाणा की पश्चिमी विधानसभा सीट डबवाली है। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट कौन सा है तो चौटाला गांव है। नेक्स्ट है हरियाणा का उत्तरी जिला। हरियाणा का बिल्कुल उत्तरी जिला पंचकुला है। और अगर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है? कालका है। और बिल्कुल उत्तरी पॉइंट कौन सा है? शाहपुर गांव है। इनमें डिफरेंस याद रखना बच्चों, एक विधानसभा सीट है और एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला। हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला कौन सा है? नूह है, जिसे मेवात भी कहा जाता था। अब इसको नूह बोलते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये जिला बना था तो इसका नाम सत्यमेवपुर भी था, लेकिन एट प्रेजेंट इसे क्या बोलते हैं? नूह बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हरियाणा के बिल्कुल दक्षिणी विधानसभा सीट कौन सी है? फिरोजपुर झिरका है। और अगर बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट की हम बात करें कौन सा है? दोहा है। हम करेंगे वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर वन्य जीव अभयारण्य, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कितनी है? 8। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। तो वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अबूब शहर की। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। एक या तो एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेते हैं सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा या फिर सबसे छोटा, तो आपने सबसे बड़ा याद रखना है कौन सा है? अबूब शहर। और कहाँ पर पड़ता है ये? सिरसा में पड़ता है। 11,530.56 हेक्टेयर इसका एरिया पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर काले हिरण व चीतल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छिलछिला। देखो जैसे मैंने बताया है, सबसे बड़ा पूछेंगे या फिर सबसे छोटा पूछेंगे वन्य जीव अभयारण्य, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर है। क्योंकि देखो सिरसा का एरिया क्या है हरियाणा में? सबसे ज़्यादा है। सिरसा जो जिला है उसका एरिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। उसके बाद आता है छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और कहाँ पर पड़ता है ये? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। और अगर पूछा जाए कि किस लिए फेमस है, तो ये शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है, यानी कि प्रवासी पक्षी कुछ यहाँ पर भी आते हैं। कहाँ पर? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिंडावास। बच्चों दो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ते हैं? झज्जर में पड़ते हैं। तो आप इनको किससे याद रख सकते हो? वास से याद रख सकते हो। भिंडावास और खापड़वास कहाँ पड़ते हैं? दोनों झज्जर में पड़ते हैं। अगर हम भिंडावास की बात करें, झज्जर में है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1,074 एकड़ में ये फैला है। और किसके लिए? देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है, तो कौन सा है? भिंडावास, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर झील बनी हुई है। और अगर झील बनी है तो यहाँ पर पक्षी भी आते होंगे। यहाँ पर प्रवासी पक्षी की लगभग 250 प्रजातियाँ आती हैं। कहाँ पर? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। इतना आपने याद रखना है, फेमस किसके लिए है? झील के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खापड़वास की। खापड़वास भी कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। और कब बना था? 1991 में इसको बनाया गया था। किसे? खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पंचकुला में एक और वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका नाम है खोल ही रेतान। खोल ही रेतान अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर पड़ता है वन्य जीव अभयारण्य, तो कहाँ पर पड़ता है ये? पंचकुला में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 से 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों नाहर।
नाहर वन्य जीव अभयारण्य, जैसे नाहर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नाहर सिंह कहाँ के राजा थे, रेवाड़ी के राजा थे, तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य को संवेदनशील कब घोषित कर दिया था, तो इसे 2009 में संवेदनशील घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है बच्चों कलेसर, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी इसमें कराया था कि नेशनल पार्क हरियाणा में दो हैं, कौन कौन से, एक सुल्तानपुर है और दूसरा कौन सा है, कलेसर है। तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है और कलेसर नेशनल पार्क भी है। तो कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है और कब स्थापना हुई थी, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो थे बच्चों हमारे वन्य जीव अभयारण्य, टोटल कितने हैं हरियाणा में, 8 पड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजनन केंद्र की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, आप HSC का कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र की। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, कैरू भिवानी में पड़ता है और स्थापना कब हुई थी, 1985 में। क्योंकि बच्चों HSC का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है कि कब हुई थी, तो 1985 में स्थापना हुई थी किसकी, चिंकारा प्रजनन केंद्र की। पड़ता कहाँ पर है, भिवानी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, भोर सदान में पड़ता है और भोर सदान कहाँ पर पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 और 1982 में। नेक्स्ट है बच्चों तीतर प्रजनन केंद्र, यहाँ पर कई बार तीतर प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है या फिर फीसेंट प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों एक ही बात है, आपने याद रखना है। कहाँ पर पड़ता है तीतर प्रजनन केंद्र, मोरनी में पड़ता है और मोरनी पता ही है आपको कहाँ पर पड़ती है, पंचकूला में। हरियाणा का एक ही हिल स्टेशन है, कौन सा है, मोरनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 और 1992 में। नेक्स्ट है रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल कहाँ पर पड़ता है, पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल जंगली मुर्गे कहाँ पर पड़ते हैं, तो कहाँ पर पड़ते हैं, कालेसर में पड़ते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेड जंगल फाउल जो ब्रीड सेंटर है वो कहाँ पर पड़ता है, ये पिंजौर में पड़ता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991-92 में। नेक्स्ट है बच्चों गिद्ध या फिर जटायु, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, कैसे, या तो आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा गिद्ध प्रजनन या फिर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, या फिर जटायु आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने गिद्धों पर अध्ययन स्टार्ट किया है, कौन सा राज्य है, पहला राज्य है कौन सा, हरियाणा, जिसने गिद्धों पर अध्ययन स्टार्ट किया है। तो गिद्ध और जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ पर पड़ता है, ये भी पिंजौर में पंचकुला में पड़ता है और स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों मयूर एवं चिंकारा, यहाँ से कई बार तो क्या पूछ लिया जाता है कि मयूर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोर प्रजनन केंद्र, या फिर आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, झबुआ रेवाड़ी में पड़ता है, स्थापना कब हुई थी, 2011 में। अगर आपसे अकेले अकेले पूछा जाए तब भी आपने झबुआ आंसर देना है और कहाँ पर है, रेवाड़ी में, या फिर इकट्ठे पूछ लिया जाए तो तब भी कहाँ पर है, झबुआ में। नेक्स्ट है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, जैसे ब्लैक बक की बात करें तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, ब्लैक बक है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र में और स्थापना कब हुई थी, 1985-86 में। ये हुए बच्चों प्रजनन केंद्र, तो टोटल हमारे प्रजनन केंद्र कितने हुए, 7 हुए और हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी हुई, तो 8 है। उसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं बच्चों, जैसे पर्यावरण न्यायालय बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कहाँ कहाँ पर है, तो हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट में पर्यावरण न्यायालय है, किस किस में, फरीदाबाद में है और हिसार में है। नेक्स्ट है हर्बल पार्क, हर्बल पार्क या फिर उद्यान आपसे पूछ लिया जाए, हरियाणा में टोटल कितने हैं, तो हरियाणा में टोटल कितने हैं, 58 है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है, तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो यमुनानगर के चूहरपुर गांव में पड़ता है, सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। और यहां पर क्या है, रुद्राक्ष वाटिका भी है, ये कहां पर पड़ता है, यमुनानगर के चूहरपुर गांव में। हम करेंगे हरियाणा से संबंधित ऋषि मुनि और उनके आश्रम, क्योंकि HSC में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कंडेय ऋषि की, मार्कंडेय ऋषि का आश्रम को क्या बोला जाता है, मार्कंडेय तीर्थ बोला जाता है और ये कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पड़ता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अगर मठ के बारे में आपसे पूछा जाए तो इनके मठ का क्या नाम था, गोड़िया मठ था। और ये भक्ति काल के कवि थे, दक्षिण भारत से इनका संबंध था, किनका, चैतन्य महाप्रभु का। और इनके तीर्थ को क्या बोला जाता है, कुबेर तीर्थ, इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। और कहाँ पर पड़ता है ये, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करती हैं ऋषि ययाति की। ऋषि ययाति का आश्रम कहाँ पर है, पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि दधीची, ये इम्पोर्टेंट है। ऋषि दधीची को किसके लिए जाना जाता है, ऋषि दधीची को अपनी अस्थियों के दान के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किसे किया था, इंद्र को किया था। और इंद्र ने ऋषि दधीची की अस्थियों से क्या बनाया था, धनुष बनाया था। और किसका वध किया था, वृत्रासुर का वध किया था। तो ऋषि दधीची का आश्रम कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, श्री राम के गुरु का क्या नाम था, ऋषि वशिष्ठ। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है, पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को महर्षि बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, विश्वामित्र जी माने जाते हैं। और इन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, पहले ऋषि थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान था। और इनके तप के कारण, इनके ज्ञान और बुद्धि के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, महर्षि विश्वामित्र बोला जाता है। और महर्षि विश्वामित्र का आश्रम कहाँ पर पड़ता है, पेहोवा, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, न्याय दर्शन के लिए। क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री है उसमें दर्शन कितने हैं, 6 दर्शन है। 6 दर्शन में से जो न्याय दर्शन आता है वो उसके रचयिता कौन है, गौतम ऋषि है। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है, गोंदर करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि कौन थे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पराशर ऋषि ऋषि वशिष्ठ के पुत्र कौन है, पराशर ऋषि हैं। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है, बहलोलपुर करनाल में। नेक्स्ट है ऋषि वेदव्यास जी। ऋषि वेदव्यास जी को कौन नहीं जानता, महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास जी। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है, वस्थली करनाल में। नेक्स्ट है कपिल मुनि। कपिल मुनि, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दर्शन कितने हमारे, 6 हैं। 6 दर्शन में से एक तो हमारा हो गया न्याय दर्शन, उसके बाद क्या है, साख्य दर्शन। साख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल मुनि। इनका आश्रम कहाँ पड़ता है, कलायत कैथल में। और कपिल मुनि से संबंधित एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु का नाम भी किसके नाम से पड़ा था, कपिल मुनि के नाम से पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि अगस्त्य की। ऋषि अगस्त्य का जो आश्रम है वो कहाँ पर पड़ता है, कपालमोचन यमुनानगर में। नेक्स्ट है ऋषि उदलक। ऋषि उदलक का जो आश्रम है वो कहाँ पर पड़ता है, श्याना गांव महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि पिपलाद की। ऋषि पिपलाद का आश्रम बाघोत महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है ऋषि चयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ढोसी की पहाड़ी का संबंध किससे है, या फिर ढोसी की पहाड़ी किस ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है, तो ढोसी की पहाड़ी चयन ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। और ढोसी की पहाड़ी पर आश्रम किसका है, चयन ऋषि, और कहाँ पर पड़ती है, महेंद्रगढ़ में। चयन ऋषि ने ही क्या बनाया था, चयन परास बनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि दुर्वासा की। ऋषि दुर्वासा किसके लिए प्रसिद्ध है, ऋषि दुर्वासा क्रोध के कारण, यानी कि सबसे जो क्रोधी ऋषि माना जाता है वो कौन माना जाता है, ऋषि दुर्वासा। और इनका आश्रम कहाँ पर पड़ता है, दुबलधन झज्जर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चुरंगीनाथ और मस्तनाथ। ऋषि चुरंगीनाथ और मस्तनाथ, इनका आश्रम कहाँ पर है, अस्थल बोहर रोहतक में। नेक्स्ट है बाबा फरीद। बाबा फरीद और सूरदास, इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं HSC द्वारा। तो बाबा फरीद, जिनके नाम से फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था, बाबा फरीद का आश्रम कहाँ पर पड़ता है, सीही फरीदाबाद में। नेक्स्ट है सूरदास जी। सूरदास जी जो कृष्ण भक्त थे और जो जन्मांध थे, इनका संबंध कहाँ से है, सीही गांव फरीदाबाद से। बच्चों हम करेंगे हरियाणा की शुगर मिल्स। शुगर मिल्स की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाणा में शुगर मिल कहाँ कहाँ पर है और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। तो शुगर मिल करने से पहले हम थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो किससे रिलेटेड है, शुगर मिल से ही रिलेटेड है या फिर शुगर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं।
जैसे अगर हम बात कर रहे हैं गन्ना उत्पादक राज्य है, भारत में गन्ना उत्पादक राज्य है, यानी कि फर्स्ट नंबर किसका आता है गन्ना उत्पादन में, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, या फिर हरियाणा किस नंबर पे आता है। तो अगर हम गन्ना उत्पादन की बात करें, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे कौन सा आता है राज्य, महाराष्ट्र आता है। थर्ड पे आता है कर्नाटक। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा किस नंबर पे आता है, तो हरियाणा का नंबर कौन सा है, 7th। यानी कि भारत में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है, 28 स्टेट में गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, 7th है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये तो हुई गन्ना उत्पादन की, उसके बाद हम बात करते हैं शुगर मिल की। देखो गन्ना उत्पादन में तो यूपी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुगर मिल सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है, देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गन्ना उत्पादन कहाँ पे है, यूपी में है। उसके बाद अगर शुगर मिल की बात करें तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है तो शुगर मिल भी वहीं पे हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये आपने याद रखना है। शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भारत में, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, शुगर के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत के किस स्टेट में होता है, तो यूपी में, क्योंकि गन्ने का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है, यूपी में हो रहा है। तो शुगर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो भी कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यूपी में। और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पर कौन है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है बच्चों अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात की, हमने भारत की बात की, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड की हम बात करें कि गन्ने प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सा देश फर्स्ट पोजीशन पे है, या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है गन्ने का, तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, किसमें, विश्व की अगर हम बात करें। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश है, भारत है। सेकंड पोजीशन पे भारत है, और भारत में जो है गन्ने का जो उत्पादन होता है वो ब्राज़ील के बाद वो सेकंड नंबर है। थर्ड की बात करें तो कौन सा देश है, चाइना है। चीन जो है वो थर्ड पोजीशन के साथ किसमें, गन्ने के उत्पादन में विश्व में है। नेक्स्ट है बच्चों चीनी का कटोरा, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चीनी के कटोरे की अगर हम बात करें विश्व में किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं चीनी का कटोरा। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में किसे बोलते हैं, यूपी को बोलते हैं किसे, चीनी का कटोरा। विश्व में किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किसे बोलते हैं, यूपी को बोलते हैं। ये तो हुई बच्चों किसकी, विश्व की बात। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा की शुगर सिटी कौन सी है, किन दो शहरों को शुगर सिटी बोला जाता है, किन्हें बोला जाता है, एक रोहतक और दूसरा कौन सा है, पलवल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन, हरियाणा में गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो हरियाणा में जो गन्ना उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यमुनानगर में होता है। यमुनानगर हरियाणा के 22 जिलों में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, कौन सा शहर, यमुनानगर, कौन सा जिला, यमुनानगर। नेक्स्ट है बच्चों शुगर मिल, शुगर मिल की अगर हम बात करें, बुक्स में भी बहुत कम दिया गया है हरियाणा के शुगर मिल्स के बारे में, और अगर हम किसी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो उस पर भी बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर जानकारी दी गई है हरियाणा के शुगर मिल की। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा के शुगर मिल्स की। तो हरियाणा की अगर शुगर मिल्स की बात करें, सबसे पहले आती है सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर पड़ती है, यमुनानगर में पड़ती है। जो बच्चों इंपॉर्टेंट है शुगर मिल्स के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि किस वर्ष स्थापित की गई थी, या फिर कई जो शुगर मिल है वो गांव में स्थापित है, उस गांव का नाम पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा की जो पहली शुगर मिल कौन सी, सरस्वती, कहां पे है, यमुनानगर में, और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1933 में। सरस्वती शुगर मिल के बारे में आपने एक बात और याद रखनी है, ये एशिया की नंबर वन है। एशिया की नंबर वन शुगर मिल कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल, कहाँ पर पड़ती है, यमुनानगर में पड़ती है। स्थापना कब हुई थी, 1933 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा कोऑपरेटिव शुगर मिल, हरियाणा कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड कहाँ पे पड़ती है, रोहतक में पड़ती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि हरियाणा में स्थापित हुई ये कौन सी मिल है, ये सेकंड शुगर मिल है। और ये किस गांव में पड़ती है, इम्पोर्टेंट है, भाली अनंतपुर गांव, कहां पर पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। तो आपने गांव का नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल। देखो बच्चों यहां पे पानीपत नाम लग गया तो इट मीन्स पता ही है कि कहां पे है, पानीपत में। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 और 77 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल।
करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल कहाँ पर है? करनाल में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम लग गया है। और स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों शाहबाद कोऑपरेटिव शुगर मिल। अब जो शाहबाद पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाहबाद शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पलवल, पलवल कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, और ये कहाँ पे पड़ती है? पलवल में। पलवल के किस गांव में पड़ती है? मैंने आपको बोला है, बार बार मैं बता रही हूँ, आपने जो मिल गांव में पड़ती है उस गांव का नाम आपने अच्छे से याद रखना है। तो किस गांव में पड़ती है? आहुलाना गांव में पड़ती है। और स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल। जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल यानी कि जींद में ही है, स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल। नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल, अब जो नारायणगढ़ पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में पड़ता है। लेकिन नारायणगढ़ के किस गांव में? बनौंदी गांव में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नारायणगढ़ कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड की। और ये कहाँ पर पड़ता है? अंबाला में। अगर हम गाँव की बात करते हैं तो कौन सा गाँव? बनौंदी गाँव। और स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों कैथल, कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे पड़ती है? कैथल में। ये पता है क्योंकि यहाँ पे किसका नाम लगा है? कैथल का। यहाँ से बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल है इसे 2018 और 19 में किसका दर्जा मिला है? हरियाणा की बेस्ट शुगर मिल का दर्जा मिला है। किसे? कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल को। कब मिला है? 2018 में इसको किसका दर्जा मिला है? बेस्ट शुगर मिल का दर्जा मिला है। और कहाँ पर पड़ती है? कैथल में। नेक्स्ट है बच्चों महम, महम कोऑपरेटिव शुगर मिल। अब देखो महम कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पता किया जाए या डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे पूछा जाए कहाँ पर पड़ती है महम कोऑपरेटिव शुगर मिल, तो कहाँ पर पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। स्थापना कब हुई थी? 1991 में। यानी कि हरियाणा में 91 में तीन शुगर मिल की स्थापना हुई थी। कब? 91 में। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल शुगर मिल कहाँ पर है? गोहाना में है। और गोहाना कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों हैफेड शुगर मिल, हैफेड शुगर मिल कहाँ पर पड़ती है? असंध में पड़ती है। और असंध कहाँ पर पड़ता है? करनाल में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। तो ये हैं बच्चों हरियाणा की शुगर मिल, इनके मैंने स्थापना वर्ष भी आपको बताया है। अगर कोई मिल किसी गांव में पड़ती है तो उसका नाम भी साथ में लिखा है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन मिल्स को आपने अच्छे से याद रखना है। और आज की वीडियो के लिए लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।